वाह वाह, मुझे वो 2011 का रिजवाना दर, वो छक्का याद आ गया। जैसा कप्तान कोई नहीं, रोहित शर्मा जैसा तो नजर आया आपको जब चिप्स डाउन होते हैं। हाँ जी दोस्तों, जय हिंद। फारिग नहीं, फायर है धोनी, सही पढ़ा है आपने। और इसी तरह की बैटिंग देखना चाहते थे फैंस धोनी को खेलते हुए, और धोनी ने वो दिखा दी। तो 3 विकेट से जीत हुई, अंतिम गेंद पर जीत हुई। धोनी ने एक बार फिर से फिनिश किया अपने स्टाइल में, और इस बार इस तरह से फिनिश करने की ज़रूरत थी। सेकंड लास्ट पर 2 बने और जीतने के लिए चौका ही चाहिए था, तो चौके के दर्शन करवा दिए धोनी ने। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से कैसा रिएक्शन है, उसके बाद ईशान किशन और रोहित शर्मा की बैटिंग पर भी थोड़ी बात करेंगे। अगर 28 हमने आखिरी 2 में 29 दिया है तो 28 किया भी है। वाह 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 वाह, ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए पुरा, ओ बाबे छा गए, ओ धोनी छा गया, ओ वाह जी वाह, ओ कमाल कर दिता शेरा, ओ कर दिता सारे नु बटेरा। वाह 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 वाह, जब गायकवाड़ और थप्पड़ और दुबे सब डूब रहे थे तो जनाब माही ने कहा मैं हूं ना। वाह 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 वाह, मुझे वो 2011 का रिजवाना दर, वो छक्का याद आ गया जो इसने मारा, और 28 साल के बाद वो देखे लटके हुए चेहरे हैं। मुंबई इंडियन, वी आर सॉरी फॉर यू, बट माही विंटेज धोनी देखने को मिला भैया, और ग्राउंड जो है वो तो जाहिर है, लेकिन मुंबई की बहुत सपोर्ट थी, लेकिन जैसी चौका छक्का धोनी के बल्ले से भी निकला तो भाईजान उतना ही शोर मचाया है। हिटमैन साहब धोनी है वो, जरा पूछिए बैटिंग कैसे करनी है। जनाब सचिन तेंदुलकर साहब भी खुश हुए, कहने यार मजा आ रहा है। हालांकि आज डैनियल सेम्स मेड द डिफरेंस, रिजवान साहब कमाल की बॉलिंग दी है, लेकिन वो दोस्त जो बड़ी जनाब तारीफ किया करते थे कि इस जैसा कप्तान कोई नहीं, रोहित शर्मा जैसा, तो नजर आया आपको जब चिप्स डाउन होते हैं तो कितना मुश्किल होता है। अब आखिरी ओवर नटखट ने किया है, 17 रन चाहिए थी रिजवान साहब, और उसने धोनी ने कहा मैं जनाब हाजिर हूं, 17 रन क्या चीज है। तो हालांकि अच्छा फिर अंपायरिंग का वही प्रॉब्लम है, LBW क्लियर है नहीं देना। अच्छा भाइयो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर द गेम हैज लाइक एवर सीन, MS धोनी इसका नाम है, और बेशक क्या वो वाला नजर आता है बीच बीच में कि वो वाला दमखम नहीं रहा, लेकिन आज फिर बीच बीच में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है तो बंदे कहते हैं यार अभी भी बहुत दमखम है, अभी भी ये वही पुराना धोनी है, विंटेज धोनी, जो कि लोगों को एक चस्का लगा हुआ है कि जनाब आखिरी ओवर में जाके और आखिरी गेंद में मैच फिनिश करना। दोनों ओपनर 0-0, रोहित शर्मा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और ईशान किशन पर भी जिस तरह से पैसे लगे हैं, जिस तरह से जो सोच कर खरीदा गया है, दोनों को परफॉर्म करना चाहिए था। अगर तिलक वर्मा की 50 न होती तो आप सोच सकते हैं कैसा मंजर होता, कैसा हाल होता मुंबई इंडियंस का। आज उम्मीदें जता रहे थे कि सभी फैन चाहते थे, उम्मीदें भी थी कि मुंबई इंडियन आज खाता खोलेगी, नहीं खोल पाई। अब एक और लगातार हार इतनी बैड कंडीशन में, ऐसी तो शायद ही किसी टीम की हालत रही हो IPL में जैसी कि मुंबई इंडियंस की है, वो भी सबसे बड़ी विजेता, सबसे ज्यादा बार की चैंपियन। आप अपना रिएक्शन बताइएगा, मिलेंगे सुबह, इजाजत, जय हिंद।